मेरा घर आया ओ राम जी। ये मैं घर आ रहा हूँ उसकी खुशी हो रही है या आप पकड़े गए हो? तुलिका ने हमें घर से बाहर निकाला है और हमें घूम रहे हैं मैं और आई, तो उसकी शूटिंग चल रही है। देखते हैं अभी घर कौन सा मिलता है मुझे और आई को रहने के लिए। तुलिका तो रह रही है अभी सुरेश हाउस में। कट कितना होगा इस खोली का? आप एक बार देख लीजिए। नीमा, अरे कपड़ा बुरा लग रहा है तुझे? नीमा बुरा लग रहा है तुझे? चेहरे पे तो नहीं दिख रहा है। कितना बुरा लग रहा है? तेरे घर आ जाए, लेकिन नए दोस्त बन जाएंगे तो तुझे प्रॉब्लम हो सकती है ना। संभाल लूं। लेकिन चौल में आना पसंद करेंगे? चावल में आना पसंद करें। तू तेरे घर आ जाऊंगा मैं तो क्या खिलाएगी बता? चावल भात ओतेगा मासरंजा आलू भात कला नाम में हरे। अरे तू सबको हरियाली बोलता है, सिर्फ नीमा को नहीं। ये हमारे डीओपी जहाँ पे लड़कियाँ होती है वहाँ पे शूटिंग करने जाते हैं। आज एड्रेस और हरियाली ढूंढते हैं। मैं इतने दूर से आई हूँ मिलने के लिए कि दीपक वहाँ पे पूछा, दीपक दादा कहाँ है? उसी में हरियाली सब है, हरियाली मिलके आते हो। आदि क्या बोलते तुझे पता है? लेकिन आज पहली बार वो हरियाली छोड़ के यहाँ शूटिंग करने आया ना दीपक? ना दीपक पहली बार इसलिए खुश नहीं दिख रही है, फेक स्माइल है। मैं घर आ रहा हूँ, कैसा लग रहा है तुझे? बहुत खुशी हो रही है मुझे तो, हमेशा के लिए रह के आने जाके, पर हमारे यहाँ पे सोने की जगह नहीं है। अरे तुम मुझे जगह दे रहे हो, उससे सोने की जगह क्या होती है? हाँ, वही सोना है। वही सोने जैसा तेरा मन। हाँ फिर से रेडी रेडी एक रिहर्सल करें। हाँ रेडी है। वो लाइट चला गया, चली गई। हर चीज में इसकी मर्दानगी आती है। मुझे ऐसे शॉट लेना मजा आता है। हाँ भी बता, मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो तुझे कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, तो मेरे घर आ रहा है। खुशी लग रही है, हो रही है? खुशी लग रही है। कैसे लग रही है? खुशी लग रही है का एक किस्सा है, वो बताएंगे हम आपसे बाद में। और अगर किसी को ये लग रहा है कि मुझे नहीं पता मैं गलत बोलती हूँ, ये नहीं, मैंने गलत नहीं बोला, वो इसने बोला है। वो यार मुझे आज बहुत खुशी लग रही है। और तेरा क्या था? मैं भूल गया, ये भी कुछ चिढ़ा था मैं। ठीक है, तो नीमा के घर आने के बाद मुझे खुशी लग गई है और मुझे पता है कि आपको भी खुशी लगेगी। खैर अभी कितना लंबा ट्रैक है पता नहीं, लेकिन खुशी तो लगेगी। अरे किस किस महल है? क्यों अच्छा, इसके पहले अच्छे जी आप वहाँ से लेके चले, चल के आए अभी जब यहाँ। नीमा के घर आने के बाद तुरंत शुरू होता है हंगामा, यानी आई का कैरेक्टर जो है वो रात के 2 बजे टीवी देखता है तो प्रॉब्लम हो जाती है सब काम पे जाने वाले लड़कियां और कुछ ना करने वाले आई। ये बहुत ही कॉमेडी सीक्वेंस था, मतलब मुझे मजा आया था देखने में। आप देख सकते हैं बूट पे, देखो नीमा के सहज चल रही है, सच में मजा आ रहा था।
शायद मुझे लगता है ये अगला पद्मश्री। अरे भोंक रही थी, था लगा तुझे नहीं था लग सकता है, ये मर्दों वाली है। मुझे लगता है अगला पद्मश्री इसे मिलेगा। हाँ, पर मैं दे दूँगी। नहीं मत दे यार, इसने इसने मैम आपके कुर्सी पे पाँव दिया और अभी देखा आपने, वो साफ कर अच्छे से, हाथ से साफ कर। ये नहीं समझती है रे, ये कह रहे कभी समझेगी तू सुरभि। और एज अ अक्षय मुझे ये बहुत ट्रैक अच्छा लगा है नीमा के घर आके, क्योंकि ये ट्रैक बहुत सुपर होने वाला है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले, दिक्कतें होने वाले, रोमांस होने वाला है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये नीमा का ट्रैक अभी जो चल रहा है, मतलब यानी सुरेश नीमा के घर रह रहा है, वो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे सीरियल को, मुझे नीमा को सबको। थैंक यू सो मच, ऐसे लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे। लव यू ऑल।